आपके पाठ्यक्रम में अगला प्रयोग रासायनिक अभिक्रिया पर है। हम जानते हैं कि अलग अलग प्रकार की अभिक्रियाएं होती है। रासायनिक अभिक्रियाओं को हम अलग अलग मापदंडों का उपयोग कर वर्गीकृत कर सकते हैं। यहां हम तीन प्रकार की अभिक्रियाओं के बारे में जानने वाले हैं, जैसे ऊष्माग्राही और ऊष्मा उन्मोची अभिक्रिया, प्रतिवर्ती अपरिवर्तनीय संयोग, विघटन इत्यादि। हम किस प्रकार की अभिक्रिया है यह जानने की कोशिश करने वाले हैं। पहले रासायनिक अभिक्रिया में हम मैग्नीशियम को हवा में जलाने वाले हैं। इसके लिए हम मैग्नीशियम धातु का छोटा टुकड़ा लेने वाले हैं। इस प्रयोग के लिए हमें चिमटे, बीकर, सैंड पेपर, चाइना डिश, कांच की नली, परख नली धारक इत्यादि वस्तुओं की आवश्यकता है। हम ये सारे उपकरण तैयार रखेंगे। पहले प्रयोग के लिए हमें मैग्नीशियम फीते की आवश्यकता है। हम इस फीते का एक छोटा टुकड़ा हवा में जलाने वाले हैं। चिमटे की सहायता से हम यह छोटा सा टुकड़ा पकड़ेंगे। हम इसे बर्नर या स्पिरिट के दिए की सहायता से जलाएंगे। इससे निर्मित राख को हम एक चाइना डिश में इकट्ठा करेंगे। हम देखेंगे कि मैग्नीशियम शानदार तरीके से प्रकाशमान ज्योति के रूप में जलता है और सफेद रंग की राख पीछे छोड़ता है। इसकी ज्योति बहुत ही चमकीली होती है। अभिक्रिया भी जल गति से घटती है। इस अभिक्रिया के फलस्वरूप केवल सफेद राख ही उत्पाद के रूप में निर्मित होती है, जो चाइना डिश में इकट्ठा की गई है। किसी भी वायु की निर्मित नहीं होती है। इस अभिक्रिया में सिर्फ दो ही अभिकारक है, मैग्नीशियम और हवा में मौजूद ऑक्सीजन। ये दोनों के एक साथ आकर मैग्नीशियम ऑक्साइड की निर्मित करते हैं और ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। यह एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करते हैं, अतः इसे संयोग अभिक्रिया कहा जाता है। अतः हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होती है, जिसके परिणाम स्वरूप ऑक्साइड की निर्मित होती है, जो एक संयोग अभिक्रिया है। आप अन्य धातुओं को जलाकर भी देख सकते हैं। कुछ प्रक्रियाएं धीमी गति से होंगी, जैसे लोहा जंग लगते समय ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और आसपास आर्द्रता अधिक होने के चलते ऑक्साइड की निर्मित करता है। इसे भी संयोग अभिक्रिया कहा जाता है। मैग्नीशियम फीते के साथ कम करते समय हमें सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि उसकी ज्योति काफी प्रखर और गर्म होती है। हमें अपनी आंखें संभालनी होगी। इस अभिक्रिया में दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, इसी कारण उसे संयोग अभिक्रिया कहते हैं। भाग 2.2। इस प्रयोग में हम दूसरे प्रकार की अभिक्रिया सीखने वाले हैं। यह अभिक्रिया तनु सल्फरिक एसिड और जस्ते के बीच में घटती है। तनु सल्फरिक एसिड को विलयन के रूप में लिया गया है और जस्ता चूर्ण या पाउडर के रूप में है। हम एक कड़ी परख नली को चिमटे की सहायता से स्टैंड पर लगाएंगे। उस परख नली में जस्ते का चूर्ण डालेंगे, उसमें तनु सल्फरिक एसिड की कुछ बूंदे डालेंगे। हम देखेंगे कि अभिक्रिया शुरू होती है और हम कुछ बुलबुले देख सकते हैं। इसका अर्थ है कि अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जिस उत्पाद की निर्मित हुई है वह वायु है। इस बात की पुष्टि करने के लिए कि वह वायु है, हम वितरण नली के मुहाने पर जलती हुई मोमबत्ती लाते हैं। हम पाएंगे कि वह वायु नीले रंग की ज्योति में जलने लगी है। यह इस बात का सबूत है कि इस रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन वायु की निर्मित हुई है। जस्ते की अभिक्रिया तनु सल्फरिक एसिड के साथ अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जस्ते ने हाइड्रोजन वायु की जगह ले ली है। अब परख नली में जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन वायु का उत्सर्जन हुआ है। इस प्रकार जस्ते ने हाइड्रोजन वायु का विस्थापन किया। इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें अभिकारकों में से एक तत्व को अन्य तत्व से विस्थापित किया जाता है। हाइड्रोजन हमेशा नीली ज्योति से जलता है, अतः हाइड्रोजन वायु की उपस्थिति सिद्ध हो जाती है। इसमें हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जब एक तत्व या तत्वों का समूह किसी एक तत्व या तत्वों के समूह द्वारा विस्थापित किया जाता है, तब उस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जस्ता हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होने के कारण वह हाइड्रोजन को विस्थापित करता है। भाग 2.3। लीड नाइट्रेट को गर्म करना। लीड नाइट्रेट पाउडर को गर्म करने के बाद क्या होता है, यह हम अगली अभिक्रिया में देखने वाले हैं। हम परख नली में एक टेबल स्पून लीड नाइट्रेट पाउडर लेंगे। यह करते ही हर बार उसे समान ऊष्मा मिले, हमें इस बात का ख्याल करना होगा। अब गीला किया हुआ नीला लिटमस पेपर हम परख नली के मुहाने पर रखेंगे।
हमें इसका परिणाम देखना है। हम जलती हुई दिया सलाई या मोमबत्ती भी परख नली के मुहाने पर रखेंगे। क्या आपको कुछ नजर आ रहा है? हम लीड नाइट्रेट में बदलाव देख पा रहे हैं। एक प्रकार की वायु छूट रही है। इस वायु से नीला लिटमस लाल रंग में बदल रहा है। यह वायु लाल भूरे रंग की है। जलती हुई दिया सलाई या मोमबत्ती उसी प्रकार जलती रहती है, वह बुझती नहीं है। जब किसी प्रयोग में वायु उत्सर्जित होती है तब तीन प्रकार की संभावनाएं हो सकती है। खुद वायु जलना शुरू हो जाता है, या मोमबत्ती बुझ जाती है, या ज्योति उसी प्रकार जलती रहती है। इस प्रयोग में ज्योति उसी प्रकार जल रही है। इसका अर्थ यह है कि वायु का कोई परिणाम ज्योति पर नहीं हुआ है। इससे हम किस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं? जब लीड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तब दो प्रकार की वायु का उत्सर्जन होता होगा। एक भूरे रंग की वायु जो नीले लिटमस को लाल रंग में बदलती है, वह है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और दूसरी वायु जो ज्वलन प्रक्रिया में मदद करती होगी वह ऑक्सीजन होगी, क्योंकि ऑक्सीजन ज्वलन प्रक्रिया में मदद करती है। हम लीड ऑक्साइड को ठोस रूप में परख नली के तले जमा हुआ देख सकते हैं। इस प्रकार लीड नाइट्राइट एक पदार्थ से हम तीन उत्पादनों की निर्मिति देख सकते हैं। वे है लीड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। जब एक अभिकारक का विघटन होकर अनेक उत्पादों का निर्माण होता है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर लीड नाइट्रेट का विस्थापन होकर तीन उत्पादों की निर्मिति हुई है।